हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश वोकैबुलरी एंड दिस इज द 14th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, रॉन्ग यूज ऑफ दिस बिफोर काइंड और सॉर्ट। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ गेम्स इज अ रॉन्ग सेंटेंस। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ गेम इज अ राइट सेंटेंस। आपने समझना है कि ये राइट क्यों है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आपको रूल को समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और वो रूल है, द डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड दिस दैट एटसेट्रा मस्ट एग्री विद इट्स नाउन। यानी कि अगर दिस है तो उसके बाद आपने सिंगुलर नाउन को ही यूज़ करना है, और दैट है तभी आपने सिंगुलर नाउन ही यूज़ करना है। दीज और दोज के लिए आपने प्लूरल नाउन्स को यूज़ करना होता है। तो ये जो रूल है आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि आपने हमेशा इन्हें इसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ गेम इज़ अ राइट सेंटेंस। आई डोंट लाइक गेम्स ऑफ दिस काइंड इज़ ऑल्सो अ राइट सेंटेंस। ओके, नंबर 2 देखते हैं। रॉन्ग यूज ऑफ ओपनड एज एन एडजेक्टिव। ओपनड वर्ड क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है या फिर एक वर्ब है। आई फाउंड ऑल द विंडोज ओपनड इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। आई फाउंड ऑल द विंडोज ओपन इज़ अ राइट सेंटेंस। देखिए यहाँ पर ओपन वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। द एडजेक्टिव इज़ ओपन। द पास्ट पार्टिसिपल दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ ओपनड। ओके, तो ओपनड जो है वो एक थर्ड फॉर्म होती है ओपन की। समबडी हैज़ ओपनड ऑल द विंडोज। किसी ने सारी विंडोज खोल दी हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपने अच्छी तरह से समझना है कि ओपन एक एडजेक्टिव होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, लेकिन ओपनड जो है वो एक वर्ब होती है। तो आपने ध्यान रखना है, इस तरह की मिस्टेक आपने नहीं करनी है बिल्कुल भी। अभी मैंने आपको ये रूल समझा दिया है, तो बिल्कुल भी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब हम देखते हैं नंबर 3, रॉन्ग यूज़ ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ट्रूथ का मीनिंग होता है सच। इज़ इट ट्रूथ दैट शी इज़ इल? इज़ इट ट्रू दैट शी इज़ इल? दोनों में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? सेकंड सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। क्या ये सच है कि वे बीमार है? तो यहाँ पर आपने सेकंड सेंटेंस को करेक्ट करना है और समझना है कि ट्रू वर्ड यहाँ पर क्यों सही है। अब हम देखते हैं नंबर 5, रॉन्ग यूज़ ऑफ अदर्स। द अदर्स बॉयज़ आर नॉट कमिंग इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। द अदर बॉयज़ आर नॉट कमिंग इज़ अ राइट सेंटेंस। तो अदर्स वर्ड जो है वो आपने नहीं यूज़ करना है, अदर यूज़ करना है। द वर्ड अदर इज़ एन एडजेक्टिव विदाउट द एस। अदर वर्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसमें कि हमने एस नहीं लगाया होता है। अदर्स इज़ अ प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है और वह एक प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द अदर्स आरंट हेयर। तो यहाँ पर अदर्स वर्ड जो है वो एक प्रोनाउन है और वो नाउन की जगह पर यूज़ होता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन। आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट, एंड प्लीज़ गिव मी योर कॉमेंट्स। थैंक यू।